नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं MBBS डायरेक्ट। और आज हम बात करेंगे बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि यूक्रेन में है। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस कंट्री में हैं, तो उसमें से हमारे पास जो सबसे अधिक अप्लीकेशन आए हैं मैं बता देता हूँ आपको, कजाकिस्तान मेडिकल से आए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यूक्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास अप्लीकेशन आए हैं बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के। थर्ड नंबर हमारे पास ऑप्शन था चाइना में, तो चाइना में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए मार्च इंटेक के लिए जियांगसू यूनिवर्सिटी के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया में काउंसलिंग करने के बाद उनके पास किसी कारण की वजह से उनको इंडिया में कॉलेज नहीं मिल पाया है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उनके पास अभी भी एक अच्छा एक चांस है कि वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना ईयर सेव कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं कजाकिस्तान में, तो उनके पास अल फराबी है, अभी ओपन आपका 15 जैन तक ओपन है। इसके अलावा कजाक नेशनल मेडिकल ओपन है 15 जैन तक। अगर आज हम जो बात करने जा रहे हैं यूरोप के बारे में, यूरोप की कंट्री यूक्रेन, यूक्रेन में जो सबसे बड़ा और अगर हम बात करते हैं हायर लर्निंग की, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास आता है बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1934 में थी, लगभग आपका 80 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और जो मल्टी स्ट्रक्चरल है। अगर हम बात करते हैं ये आपकी यूनिवर्सिटी आपकी फुली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, साथ साथ जो इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो जाना जाता है आपका हायर लर्निंग के लिए और साइंटिफिक वर्क के लिए। बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी रजिस्टर्ड है WHO में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का मोस्टली मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से या काउंसलिंग ड्यूरेशन में बहुत सारी बात होती है, तो उनका एक मेन कंसर्न रहता है कि सर मुझे USMLE के लिए प्रिपरेशन करना है, सर उसके बारे में बताएं क्या यूनिवर्सिटी उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपकी ECFMG में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा आपकी NMC है उसमें रजिस्टर्ड है। तो ऐसे स्टूडेंट जो MBBS करते हैं बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो अपना USMLE दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी तक 30,000+ डॉक्टर्स को ट्रेन किया है ना, जो कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की अगर बात करते हैं, आपका नर्सिंग की बात करते हैं, जनरल मेडिसिन की बात करते हैं, डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, फार्मेसी की बात करते हैं, पेडियाट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर्स को उसने प्रोड्यूस किया है 30,000+। इसमें से आपके 6,000+ इसमें इंटरनेशनल डॉक्टर्स आपके हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के जो मेन पार्ट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उसकी रैंकिंग जो मेनली होती है वो इंफ्रा पे डिपेंड करती है। और इंफ्रा होता है ओवरऑल उसका डेवलपमेंट, जैसे कि उसके हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग, रिसर्च सेंटर्स है ना, सिमुलेशन सेंटर्स, इस पर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी के इसके 6 फैकल्टीज हैं, जिसमें से 4 फैकल्टी मेडिकल की हैं, एक आपका फार्मेसी के लिए है, बाकी एक आपका अदर के लिए है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के 49 डिपार्टमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी में जो सेंटर ऑफ सिमुलेशन मेडिसिन है ना, जो प्रोवाइड करता है एक आपके इनोवेशन आपकी प्रोवाइड करता है मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में आपके 15 इसमें एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इसमें 33 आपके मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, जो डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। जिसमें होता क्या है कि जब स्टूडेंट स्टडी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो इस सेंटर्स में जाते हैं, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट से। अगर हम बात करते हैं लेक्चर हॉल की बात करते हैं या क्लासरूम की बात करते हैं या उसकी लैब की बात करते हैं, तो हाईली डेवलप्ड, हाईली मॉडर्न है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस की है वो सारी आपके यहाँ पर अवेलेबल है, जो यहाँ की लैब्स हैं या इनके लेक्चर हॉल हैं या इनके क्लासरूम है। अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में इसमें मिलियन ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, मेडिकल की हैं, इसके अलावा फार्मेसी की हैं और अदर जो अदर डिपार्टमेंट्स की, इसमें बुक्स आपकी अवेलेबल। अगर हम बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, तो इसमें 133 इसमें डॉक्टर ऑफ साइंस हैं, 422 इसमें कैंडिडेट्स ऑफ साइंस हैं, 80 इसमें प्रोफेसर हैं, इसके अलावा 245 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसमें 2 इसमें सीनियर साइंटिफिक इसमें असिस्टेंट भी हैं।
ये तो बात होगी टीचिंग स्टाफ की। इससे अलावा सबसे बड़ा मेन कंसर्न होता है कि हम अगर नेबरिंग कंट्रीज में जा रहे हैं क्या क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसमें मेडिकल प्रिवेंटिव की बात करें या फिर फार्मेसी की बात करें जो कैंपस के अंदर ही अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में जो सिमुलेशन सेंटर है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमुलेशन मेडिसिन बोलते हैं एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोवाइड करती है स्किलफुल जो प्रैक्टिकल स्किल हैं वो आपको प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। और साथ साथ जो उसमें जो सेंटर्स बना है स्पेशली बना हुआ है वो जो स्टूडेंट होते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट से जो रियल पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करते हैं तो कैंपस के अंदर ही बुक ऑफ इन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की खुद के इसके हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आपको अलग होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग के लिए अलग होते हैं, क्लिनिकल की आपके लिए अलग होते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर बात करते हैं स्पेशली यूरोप में बात करते हैं वो भी आपके यूक्रेन में तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है बुक ऑफ इन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर हम साइंटिफिक अगर वर्क की बात करते हैं तो जो फंडा अगर हम साइंटिफिक वर्क की बात करते हैं जो फंडामेंटल एंड क्लिनिकल साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं यूनिवर्सिटी में आपकी अवेलेबल हैं। साथ साथ यहाँ पर जो यंग साइंटिस्ट हैं एंड काउंसिल एंड स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो यहाँ साइंटिफिक वर्क होता है मींस यूनिवर्सिटी में जो यूक्रेन का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें जो यंग साइंटिस्ट हैं एंड काउंसिल एंड साइंटिस्ट हैं जो साइंटिफिक वहाँ वर्क होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर साइंटिफिक वर्क के लिए अगर आप रिसर्च की अगर बात करते हैं साथ साथ अगर आप स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं क्वालिटी ऑफ डॉक्टर की बात करते हैं तो वो सारे पैरामीटर्स आपके अवेलेबल जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग स्टाफ है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो लार्ज कैंपस है क्योंकि लार्ज कैंपस के अंदर आपके हॉस्पिटल्स कैंपस के अंदर होते हैं, हॉस्टल आपका होता है, लैब होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि एक कंप्लीट डॉक्टर एक क्वालिटी ऑफ डॉक्टर बनने के लिए तो सारे पैरामीटर्स आपके अवेलेबल हैं। ये बात होगी अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की तो हॉस्टल की अगर हम बात कर देते हैं तो इसके 8 हॉस्टल हैं जो कि इंडियंस के लिए हैं रजिस्टर्ड हैं। उसमें 2 हॉस्टल आपके इंडियंस के लिए हैं, एक गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए आपके सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें आपके जो कि लिविंग जो स्टैंडर्ड हैं वो आपके हाईली मॉडर्न हैं और हाईली डेवलप्ड हैं जो एज़ पर जो लिविंग आपके पैरामीटर्स हैं जो हॉस्टल के अंदर होना चाहिए यूरोपियन कंट्री में वो सारे आपके अवेलेबल हैं। और साथ साथ यहाँ इस हॉस्टल के अंदर इसमें 2 आपके कैफ़े हैं, इसके अलावा 6 कैंटीन है और इसमें बहुत सारे क्लब अगर स्पोर्ट्स की अगर आपको ये स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स भी अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट शो करता है तो उनके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि वॉलीबॉल क्लब है, टेनिस क्लब है, इसके अलावा आपका एक मिनी फुटबॉल आपका कहते हैं क्लब बना हुआ है। तो हॉस्टल के अंदर ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपकी अवेलेबल, जिम भी आपका अवेलेबल है तो ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं फीस की तो फीस इसकी $3,900 है। ट्यूशन फीस ईयरली आपको पेमेंट करना पड़ता है, साथ साथ आपको $500 पेमेंट करना पड़ता है हॉस्टल का, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन ये फीस आपकी होती है यूनिवर्सिटी की जिसमें जो इनटेक है सितंबर इनटेक आपका क्लोज हो चुका है और ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं जनवरी इनटेक आपका ओपन है। तो ऐसे स्टूडेंट जो यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप यूक्रेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास अफोर्डेबल बजट में कम फीस में यूक्रेन में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फोकस करती है साइंटिफिक वर्क पे, जो फोकस करती है आपके क्लिनिकल एक्सपोजर पे फोकस करती है। और यूनिवर्सिटी आपकी ECFMG में रजिस्टर्ड है। इसकी ईयरली फीस आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की अगर बात करते हैं तो $4,400 है। अफोर्डेबल फीस है, इंडियन मेस अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंटरनेशनल में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स इंडियंस हैं तो आपको होम सिकनेस फील नहीं होती है। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, इंफ्रा की बात करते हैं, टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करते हैं, साइंटिफिक वर्क की बात करते हैं, अफोर्डेबल फीस की बात करते हैं, इंडियन फूड की बात करते हैं तो वो सारे पैरामीटर्स आपके अवेलेबल हैं। साथ साथ ही यूरोप का एक बहुत ही अच्छा एक यूरोप का पार्ट है तो सिटी भी काफ़ी डेवलप्ड है, पेशेंट से कम्युनिकेट यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं 5.8 ईयर्स प्रोग्राम में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में तो उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यूक्रेन में होता है बुक ऑफ इन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
तो ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं जनवरी इनटेक में अपना 1 ईयर सेव करना चाहते हैं, तो अभी उनके पास बोको विजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल बजट में सबसे अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विनिस्टा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में।